भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड स्थित दुर्गा गार्डन में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद नागर व संचालन राष्ट्रीय महासचिव संगठन मनोज कुमार चौहान ने किया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूती देने को लेकर बल दिया गया। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संजय विनायक जोशी, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन भारतीय जनता पार्टी एवं भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद नागर ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए संजय विनायक जोशी ने कहा कि भारत राष्ट्रीय सेवक संघ सभी देशभक्तों को एक धागे में पिरोने का कार्य कर रहा है। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को बधाई देते हुए कहा गया। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ प्रत्येक जन साधारण नागरिक के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस संगठन का उदय हुआ और यह संगठन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात अन्य राज्यों में भी ये पदार्पण कर चुका है और बड़ी तेजी के साथ में ये प्रत्येक जनसाधारण नागरिक के मानव अधिकारों की रक्षा और जो भी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। यह सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमें केवल और केवल जिन लोगों की राजनीति में पकड़ नहीं है, जो देशभक्त हैं, जिनकी नहीं सुनी जाती है राज्य की, चाहे कोई भी एजेंसी हो यदि नहीं सुनती है, उनके खिलाफ इसमें एक क्रांति लाना है, आमूलचूल परिवर्तन करना और जनसाधारण नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। मुख्य अतिथि ने कहा कि जनपद मुरादाबाद के भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव संगठन मनोज कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, भारत के युवा जागेंगे, भारत महान बनेगा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है और युवाओं को एकजुट कर समाज सेवा के कार्य कर रहा है। बीआरएस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नागर जी, महामंत्री श्री मनोज चौहान जी, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि करने वाला ये संगठन है। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस संगठन के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मुरादाबाद आना हुआ। क्या उद्देश्य लेके चले हैं? समाज में हर व्यक्ति के नागरिक अधिकारियों को चिंता करना तथा उनके साथ होने वाले अन्याय के साथ खड़ा रहना, समाज सेवा का भाव जागरूक करना, सभी देशभक्तों को संगठित करना, यह संगठन का कार्य डॉक्टर विनोद नागर और श्री मनोज चौहान जी ने जो हाथ लिया है उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने हेतु आना हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी महेश भाटी, सचिन भाटी, जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह, महानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा, युवा महानगर अध्यक्ष सचिन चौहान, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा शेखर चौहान, प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहित गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, दिलीप प्रस्तौगी, भोला चौधरी, छाया सागर, हरिओम गुप्ता, जनपद संभल से डॉक्टर विमल कुमार सैनी, राज बहादुर, रामकृष्ण चौहान, सुनील गुप्ता सहित भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के लगभग 800 कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन को स्वागत करता हूँ और आप सभी जो कार्यकर्ता सभी के सहयोग से, माता और बहनों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम सफल हुआ है,